अमेरिका में विदेशी स्टूडेंट्स को कोरोना संकट के बीच वीजा नहीं देने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ वहां की जानी मानी यूनिवर्सिटीज ने आवाज उठाई है। अमेरिका की दो टॉप यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और MIT ने अमेरिका के इस फैसले पर घोर आपत्ति जताते हुए इस पर दोबारा विचार करने की मांग की है। दोनों यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि अचानक लिए गए फैसले से वहां रह रहे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो सकती है और ये स्टूडेंट के लिए हैं। तो वहीं अमेरिकी सरकार का कहना है कि स्टूडेंट्स को हमारे खिलाफ ना जाकर अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे सकते, स्टूडेंट्स में पढ़ रहे रेगुलर स्टूडेंट्स को ही हम वीज़ा दे सकते हैं। वहीं मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंघला और अमेरिका के अपने समकक्ष अधिकारी डेविड हेल के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बातचीत में स्टूडेंट वीजा और अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के हितों का मसला भी प्रमुखता से उठा था, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उठे विवाद के बीच अपना रुख नरम किया है। अमेरिका ने कहा है कि वीजा के नए नियमों के प्रभाव को कम से कम करने के लिए रास्ते तलाशे जाएंगे। ये भी कहा गया कि नए कानून के लिए विस्तृत गाइडलाइंस अभी जारी होनी है, जिसमें बहुत सारे संदेहों को दूर करने का प्रयास होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान तब आया जब भारत ने अपनी चिंता अमेरिका के सामने जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट दुनिया तक।